नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर एज वेल एज बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका साथ साथ आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करने से अच्छा रहेगा, तो वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका पास एलेक्स ब्रोकर की तरफ से फोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट है, क्वेरीज है, आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस का ऊपर। तो सबसे पहले मेरा सामने जो चार्ट खुला है ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। अब ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर सिग्नल। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा, आपको कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो बॉक्स दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये एक्चुअली लास्ट सेल का कॉल का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो जब बाय का कॉल बनेगा तो उस टाइम भी यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें बाइंग का डिटेल्स लिखा रहेगा। अब क्वेश्चन ये है, जो बाय कॉल एंट्री लेने का पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? बेसिकली हम लोग प्राइस के ऊपर बेस करके काम करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो प्राइस बहुत टाइम फेक भी होता है, फेक इन द सेंस बहुत टाइम ऐसा होता है जो प्राइस का तो मूवमेंट हो रहा है, आप प्राइस को देखते हुए एंट्री तो ले लिया तुरंत या थोड़ा देर बाद मार्केट साइडवेज कर दिया, मार्केट को गिरा दिया। तो एक्चुअली ऐसा क्या सिचुएशन था जिसके लिए आप ट्रैप हो गए? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मार्केट का वॉल्यूम को समझना। आप अगर वॉल्यूम को भी सही से आइडेंटिफाई कर लिए तो ट्रैप होने का चांसेस काफ़ी कम जाता है। जैसा देखिए यहाँ पर ही जो बाय का कॉल बना था, यहाँ पर हम लोग का जो फर्स्ट कंडीशन है, नीचे में आपको एक रिबन दिखाई देगा जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, बाइंग का टाइम में रिबन का कलर ग्रीन होता है। मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होकर ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मार्केट में उस टाइम वॉल्यूम प्रेशर किसका फेवर में है, बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए? तो ये वॉल्यूम प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है टोटली स्ट्रांग बाइंग बाइंग के लिए है, मतलब जिस टाइम बाय का कॉल बना था ह्यूज वॉल्यूम प्रेशर था, तो इस टाइप का बाय का कॉल आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। इस टाइप का कॉल में ट्रैप होने का चांसेस काफी कम होता है, आप यहाँ पर एंट्री लेके आराम से एक लंबा प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज जहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर होकर इसका कलर चेंज हो गया पिंक में, यहां पर आप अपना पोजिशन को छोड़ सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक आप बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। तो ये तो था फ्यूचर का कॉन्सेप्ट। अब जो बंदा ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है जिसका कैपिटल उतना ज्यादा नहीं है, तो वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस को चूज करेगा? स्ट्राइक प्राइस तो बहुत सारा होता है। अब जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में थ्री टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, कोई बोलता है जो एटीएम में ट्रेड करो, कोई बोलता है आईटीएम में ट्रेड करो, कोई ओटीएम में ट्रेड करने के लिए बताता है, तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे अच्छा रहेगा? बेसिकली रिस्क का हिसाब से देखा जाए सबसे कम लो जो रिस्क होता है वो आउट ऑफ द मनी में होता है, उसका मतलब प्राइस भी बहुत ही कम होता है, उसका प्राइस भी बहुत ही कम होता है। बट हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी में काम मत कीजिए क्योंकि उसका विनिंग रेशियो काफ़ी कम होता है, जैसा रिस्क भी कम है उस हिसाब से विनिंग रेशियो भी कम होगा। तो मीडियम अगर रिस्क बोलेंगे तो एट द मनी है, सबसे ज़्यादा रिस्क इन द मनी में होता है, बट सबसे ज़्यादा विनिंग कैपेसिटी आपका बोला जाए तो इन द मनी में ही होता है। तो इन द मनी एक ऐसा चीज़ है वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा लगता है बट विनिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम कैपिटल में अगर हम लोग खेलेंगे तो हम लोग एट द मनी में खेलेंगे। एट द मनी मतलब जो वैल्यू चल रहा है उसका आसपास का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हैं, जैसे 42,234 चल रहा है तो हम लोग 300 का कॉल चूज कर लिया, तो ये एट द मनी का आसपास ही आप बोल सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू था 269, तो 269 से जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे आपका वैल्यू उतना ही कमते रहेगा बट विनिंग रेशियो आपका कम जाएगा। तो आउट ऑफ द मनी में मत खेलिए, इन द मनी में खेल सकते हैं, कैपिटल ज़्यादा लगेगा बट विनिंग रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए हम लोग बेसिकली एट द मनी को यहाँ पर चूज़ किए हैं, 269 इस टाइम वैल्यू था। सेम लॉजिक का साथ काम करना है, नीचे का रिबन देखिए ग्रीन है, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन है, और वॉल्यूम देखिए उस टाइम बाइंग का फेवर में है। अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि
विदाउट वॉल्यूम अगर आप काम करने जाएंगे तो बहुत टाइम फंस जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये सेल का कॉल में दिखाता हूँ। देखिए ये सेल का कॉल में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा था। जैसे यहाँ पर इसका पहले जो सेल का कॉल चल रहा था वहाँ पर सोचिए थोड़ा बहुत वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग था। तो वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम को मैच करना है, अगर दोनों मैच हुआ तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं डेली ट्रेड करना है, अगर आप महीने में 15 दिन भी ट्रेड कर रहे हैं एक कॉल ले रहे हैं अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं दैट्स एनफ। और बैंक निफ्टी में आप टारगेट रखिए हार्डली 40 to 50 पॉइंट ऑप्शन में, उससे ज़्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा कंसेप्ट जरूर बोलिएगा, और इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट भी शायद क्लियर हो गया होगा। और एक बार बता देता हूँ, एट द मनी थोड़ा सा मीडियम रिस्क है क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का चार्जेस उतना भी ज़्यादा नहीं है, 269 है। इसी को अगर आप इन द मनी में कर देंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा बट विनिंग रेशियो भी बढ़ जाएगा, मतलब जहां पर रिस्क बढ़ जाएगा विनिंग रेशियो भी बढ़ जाएगा। ये एट द मनी में मीडियम है और आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम और भी कम लगता है, रिस्क भी कम है और विनिंग रेशियो भी कम है। तो ये आपको डिसाइड करना है आप किस में करेंगे। तो कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।